ले दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षकों की नई वैकेंसीज को लेकर, जिसमें आवश्यक सहायक अध्यापकों की पोस्ट निकाली गई है। किस तरह का आवेदन करना है, लास्ट डेट क्या है और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कुल कितने पद रखे हैं, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की न्यू डेट के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में लगातार जिलेवार आपकी निकल रही भर्तियाँ, जिसमें टिहरी जनपद में निकाली गई सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षक की पोस्ट निकाली गई है। 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और 18 मई तक इसकी लास्ट डेट है। 18 मई तक आवेदन कर सकते हैं इन पदों को लेकर। और इसमें अगर बात करूँ पोस्ट को लेकर, टोटल 36 पोस्टें में इसमें रहेंगी। इसके लिए यहाँ पर 7 SC के हैं, 1 ST का है, OBC की 5 है, EWS की 4 है, PS के 1 है, अदर के 18 है। तो 18 पोस्ट हैं यहाँ पर अदर के रखे गए, काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं। इसके लिए आपके पास यहाँ पर जो सैलरी मिलेगी 35,400 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी, जो कि 6 लेवल का रहेगा। इसके लिए स्नातक होना चाहिए, आपने DL किया होना चाहिए, या सॉरी BEd या DED, ठीक है, विशेष शिक्षा में आपने BEd किया होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक होने, UTET या CTET अपने पास करे होने चाहिए। साथ में आपका 300 रुपये का डाक, तो इसमें आप 18 मई तक आवेदन करना है। 30 रुपये का डाक टिकट लगेंगे, आपके 2 लिफाफे लगेंगे, जिसमें आपको यहाँ पर 30 रुपये का डाक टिकट लगाना पड़ेगा। अंदर वाले पे, बाहर वाले पे आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर, ठीक है, जो आपका बाहर पे लिखा रहता है मोटे अक्षरों में, सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षा, ऐसे लिखना पड़ेगा। जनपद का नाम लिखना पड़ेगा, विज्ञप्ति संख्या लिखनी पड़ेगी। विज्ञप्ति संख्या आपके यहाँ पर टॉप पे है, आप लोग यहाँ पर देखते हैं विज्ञप्ति संख्या है। और एड्रेस आपका भेजने का पता ये है, जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा, यहाँ आपको भेजना है नई टिहरी में। तो इन पदों के लिए आप ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं।